हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शामिया और हम कर रहे हैं क्लास सिक्स की साइंस का चैप्टर नंबर टू, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड में, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स किस किस चीज से मिलकर बना है, राइट। इन चैप्टर वन वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर वन में हमने बेसिकली क्या किया था कि हम जो जो खाना खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, लंच में क्या लेते हैं, डिनर में क्या लेते हैं, हमने उस सब की क्या करी थी, एक लिस्ट प्रिपेयर की थी। और फिर उस लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद हमने उसमें बाद में बताया था कि हम उस चीज को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने काफी सारे चार्ट्स बनाए थे, बहुत सारी लिस्ट बनाई थी चैप्टर वन में। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन सा खाना खाया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने मैप में मार्क किया था, राइट। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, अनदर में भी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर और वी कॉल इट भिंडी, येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर कहना है इनका कि जो एक मील होता है, मील मतलब जो आपका एक प्रॉपर खाना होता है, उसमें चपाती होती है, रोटी जरूर होती है, दाल और एक करी जरूर होती है, ब्रिंजल करी, कुछ आपको राइस भी हो सकता है, सांभर भी हो सकता है और वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि भिंडी वगैरह। तो इस तरीके से आप अलग मील्स भी बना सकते हैं, जैसे अप्पम की, फिश करी की और वेजिटेबल्स की। तो इस तरीके से इन्होंने तीन तरीके बताए हैं किन तीन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, एक अपना जो मील है वो प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट है एक्टिविटी वन, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रीन। हमारे मील में एक आइटम जरूर ऐसा होना चाहिए जो कि ग्रेन से बना हो, अनाज से बना हो। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। एक जो दूसरे आइटम्स हो सकते हैं वो दाल हो सकती है या फिर मीट की या फिर वेजिटेबल की कोई डिश हो सकती है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, बटर मिल्क एंड पिकल्स। अब ये जो हम सैलेड वगैरह साथ में लेते हैं या फिर कर्ड हो गया, तो ये भी क्या होता है, साथ में हम ले सकते हैं इसके, राइट। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो है मील्स के, कि भाई अलग अलग रीजन में कौन कौन सा खाना कब खाया जाता है, वो आपको टेबल 2.1 में मिल जाएगा। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर वन। अब आपको उनमें से क्या करना है, कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करिए जो कि आपने चैप्टर वन में भी देखा था। एड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। अब आपको क्या करना है, कुछ और मील्स को ढूंढिए और उस लिस्ट में ऐड करिए टेबल 2.1 में। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आर मील्स। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सच में इतनी वेराइटी नहीं होती है मील्स की, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या फिर हम कहीं बाहर कहीं खाना खा रहे होते हैं, तब हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, जब हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारी मनपसंद खाना नहीं मिलता, राइट। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कई बार ये होता है कि हमारे साथ में बहुत सारे आइटम्स भी होते हैं, बहुत सारे वैरायटी होती है खाने की, लेकिन हम खा नहीं पाते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजंस दो, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता है, या तो हमारी तबीयत खराब होती है या हमें डॉक्टर ने मना किया होता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, राइट। व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो इसका उनका कहने का मतलब है कि अलग अलग सेलिब्रेशन के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग मील्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। अगर आप आज के टाइम में किसी भी मैरिज में जाते हो तो वहां पे वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं, जिनके लिए क्या होता है, कई बार हम सारे फूड आइटम्स को चख भी नहीं पाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई अलग अलग पर्पसेस के लिए, स्पेशल पर्पसेस के लिए जो फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, वैरायटी बहुत है फूड आइटम्स की। तो ये है आपकी टेबल 2.1। यहाँ पर क्या करना है, आप देख सकते हैं स्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाब। पंजाब में मक्की की रोटी आपको पता ही है कितनी ज्यादा फेमस है,
और वो राजमा किडनी बीन्स जिनको हम कहते हैं सरसों के साग के साथ क्या खाई जाती है, मक्के की रोटी खाई जाती है, और उसके साथ क्या होता है कर्ड और घी दिया हुआ होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा भी दे रखा है आपको, दो आपको मील्स का बता रखा है, बाकी का आपको इसमें एड ऑन करना है। नेक्स्ट आता है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि अलग अलग डिफरेंट आइटम्स में क्या होता है, वो क्या कंटेन करके रखते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, ये हम जानते हैं कि एक जो डिश है वो एक से ज्यादा चीजों से बनी हुई है, मतलब उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मसाले डले हुए हैं वो ज्यादा डले हुए होते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हम प्लांट से और एनिमल से मिलता है, जिस जो चीज हमें। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कॉम्पोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई आर बॉडी, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत है, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है। दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं कॉम्पोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनको हम जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी में जरूरी है, बहुत मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए, कॉम्पोनेंट्स जो हमारी बॉडी को रेगुलर चाहिए, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी को रेगुलर बेसिस पे चाहिए। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, आपने सुना होगा आज के टाइम में फाइबर्स को इंटेक करने के लिए बहुत ज्यादा कहा जा रहा है। फाइबर्स का इंटेक क्या होता है, ये आपकी बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आता है, डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी को, और डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का बहुत जरूरी भी होता है। दैट्स द रीजन ये कहा जाता है कि आपको फाइबरस फूड खाना है। एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आर बॉडी, और ये भी कहा जाता है कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पानी है वो हमारी बॉडी को साफ करने में, डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी खानों में ये सब चीजें मौजूद होती हैं। विथ सब सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं अगर हम उनको फॉलो करें, कुछ टेस्ट होते हैं उनको अगर हम फॉलो करें करें करके देखें, तो हम देख सकते हैं कि कुक फूड में या फिर जो रॉ फूड है आपका, जो आपने बाजार से एकदम खरीदा है तभी सब्जी, उसमें वो चीज प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये हम टेस्ट करके देख सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स, अगर हम इनकी बात करें कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स देख रहे हैं कि भाई हमारे खाने में कितना मौजूद है, तो वो बहुत ईजी होता है उसको टेस्ट करना अगर हम अदर न्यूट्रिएंट्स की बात करें उनसे। सो लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब इन्होंने क्या कहा है भाई, हम एक टेस्ट करके देखते हैं और टेबल 2.2 में क्या करेंगे, उसको सारा रिकॉर्ड को लिखेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अब आपको क्या करना है, अब आप टेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, क्या टेस्ट कर रहे हो भाई, केस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो अब जब हम इन तीन चीजों को टेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा की। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर, कुछ टेस्ट ट्यूब्स की जरूरत पड़ेगी और एक ड्रॉपर की जरूरत भी हमको पड़ने वाली है। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। अब आप ये जो हम टेस्ट करने वाले हैं, ये आप जो आपने खाना तैयार किया हुआ है, बनाया हुआ है, कुक्ड ऑलरेडी, उस पर भी करके देख सकते हैं, और रॉ फूड जो आपका रखा हुआ है, कच्चा जो सब्जी आपकी रखी हुई है उसमें भी आप करके देख सकते हैं। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट। टेबल 2.2 से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आप टेस्ट कर रहे हो, तो अब उस ऑब्जर्वेशन को लिखना कैसे, कैसे रिकॉर्ड करना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, कुछ फूड आइटम्स इसमें टेबल में गिवन है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, या तो आप इन्हीं फूड आइटम्स के साथ आप जा सकते हो, टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने कुछ फूड आइटम्स ले सकते हो और उनसे क्या कर सकते हो, टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो।
डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। ये जो आप टेस्ट करेंगे बहुत ही केयरफुली करिएगा, किसी भी केमिकल को खाने की और टेस्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा जब आप कोई भी टेस्ट कर रहे हो। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। अब जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको चाहिए किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, अगर वो रेडीमेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो आपकी टीचर क्या करेगी, वो आपको प्रिपेयर करके देगी उस पूरे एक सॉल्यूशन को। और वो कैसे प्रिपेयर करेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको तरीका बता रखा है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब सबसे पहले किस चीज का टेस्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का हो रहा है। सो कार्बोहाइड्रेट जब टेस्ट करें, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द मेन फूड कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होते हैं। वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। तो हम देख सकते हैं कि भाई उस खाने में स्टार्च या शुगर प्रेजेंट है या नहीं। अब ये देख लेते हैं कि भाई रेडीमेड फॉर्म सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। अब हमें आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना है। आयोडीन का सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, एक हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, वाटर से हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब को आधा भर लो पानी से और उसके अंदर आयोडीन टिंक्चर डाल दो। ठीक है, बस क्या बन गया आपका, आयोडीन सॉल्यूशन बन गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है, 100 ml पानी में क्या करना है, 2 g कॉपर सल्फेट को क्या करना है, घोल देना है, डिसॉल्व कर देना है, तो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाना है तो 100 ml वाटर में क्या करना है, 10 g कास्टिक सोडा को डिसॉल्व कर देना है, तो आपका कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, आपका कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहाँ पर हम आयोडीन सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन में भी पानी लेना है, कॉपर सल्फेट में भी पानी लेना है और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में भी पानी लेना है। ठीक है, बस डिफरेंस इस बात का है कि जब हम आयोडीन का बना रहे हैं तो उसमें टेस्ट ट्यूब में लेना है पानी और हाफ भरनी है उसको और उसमें टिंक्चर डाल देना है आयोडीन का। बट जब कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की बात होगी तो 100 ml पानी में हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट सिर्फ 2 g डालने हैं और कास्टिक सोडा हमें 10 g डालना है। अब हम एक्टिविटी 2 करते हैं। स्टार्च का जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो रहा है कि हम यहाँ पर स्टार्च देखने वाले हैं कि हमारे खाने में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। अब ये क्या किया, देखो आप यहाँ देख सकते हो इन्होंने क्या किया, यहाँ से खाना लिया, इसमें एक स्मॉल क्वांटिटी ले ली, छोटा सा पीस ले लिया। अब इसमें 2 to 3 drops किसके डाले, आयोडीन सॉल्यूशन के डाले। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके कलर में कोई चेंज आया ही या नहीं, वो ब्लू ब्लैक हुआ है या नहीं। अगर ब्लू ब्लैक कलर होता है तो इसका मतलब क्या है, आयोडीन प्रेजेंट है। लेकिन अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं है आया तो इसका मतलब कि इसमें आयोडीन नहीं है। रिपीट दिस टेस्ट विद फूड आइटम्स टू फाइंड विच ऑफ दीज कंटेन्स स्टार्च। तो अब क्या करना है कि हमें इसी तरीके से रेगुलर सारे फूड आइटम्स पे टेस्ट करना है, आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप्स डाल के देखना है कि ये ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब स्टार्च नहीं है, अगर प्रेजेंट है स्टार्च तो इसका मतलब वो टर्न हो जाएगा ब्लू और ब्लैक कलर में। तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं, राइट, ये जो टेबल है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर फूड आइटम्स लिखे हैं, यहाँ पर ये देखना है आपको टेस्ट करके हर एक फूड आइटम्स पे कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि रॉ पोटैटो पर जब उन्होंने किया तो स्टार्च प्रेजेंट था तो उन्होंने यहाँ टिक लगा दिया, यस लिख दिया, लेकिन मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट था तो यहाँ यस लिखा गया। देन ग्राउंडनट में क्या था, फैट प्रेजेंट था तो यहाँ पर यस लिखा गया। तो अब टेस्ट फॉर प्रोटीन क्या करेंगे, प्रोटीन का टेस्ट कैसे होगा वो देखते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब आपको क्या करना है,
अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, प्रोटीन की जो ड्रॉप्स हैं वो डालनी है। अब स्मॉल क्वांटिटी लेना है फूड आइटम का टेस्ट करने के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और अ पाउडर। अगर वो सॉलिड फूड है जिसको आप टेस्ट करने वाले हो, तो उसका सबसे पहले आप क्या बनाओगे, पेस्ट बनाओगे या फिर पाउडर बनाओगे। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। उस पर्टिकुलर फूड आइटम को ग्राइंड करो, या तो पीसो या फिर मैश करो, और उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लो। अब उसमें क्या करना है, आपको 10 ड्रॉप पानी के डालने हैं और शेक करना है टेस्ट ट्यूब को अच्छे से। अब एक ड्रॉपर की मदद से क्या करना है, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के डालो और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा के उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको बहुत अच्छे से शेक करो। और फिर कुछ देर के लिए उस टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है, रख देना है एक तरफ। और अब देखना है कि उस जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपने वो पिसा हुआ उसका कंटेंट लिया था, जो आपने फूड आइटम लिया था मैश करके ग्राइंड करके, वो वायलेट कलर में चेंज हुआ या नहीं। अगर वो वायलेट कलर में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वो प्रोटीन है उसके अंदर प्रेजेंट है। और अगर वो वायलेट कलर में चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली हमने प्रोटीन को चेक करने के लिए क्या किया, हमने जो फूड आइटम जिसमें हम प्रोटीन देखना चाह रहे थे कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, उस उतने से खाने को पीसा बिल्कुल बारीक, हमने उसका ग्राइंड किया, उसका पेस्ट बनाया, उसको टेस्ट ट्यूब में लिया। फिर हमने क्या किया, हाफ फिल टेस्ट ट्यूब कर ली उस खाने से। उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डाले और 2 ड्रॉप्स हमने किसके डाले, कास्टिक सोडा के और प्रोटीन जो हमारे पास क्या कहते हैं कास्टिक सोडा के साथ ड्रॉप्स था और कॉपर सल्फेट के जो ड्रॉप्स थे उसको डाले। तो हमें क्या पता चलाएगा कि भाई प्रोटीन में इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का भी और प्रोटीन्स का भी। तो यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर जो एक हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।